Hi, guys, welcome to another session of RBI 247. Today, I want to talk about technological innovations that have brought about many changes by fintechs. We will be talking about digital public infrastructure. We will be talking about policy initiatives, the recent various kinds of initiatives, and various other things relevant to what all kinds of innovations have been going on in the area of. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर बींग प्रोपेगेटेड एंड पुस्ट फॉर्वर्ड बाई फिनटेक्स इसमें हम लोग आर बी आई को भी लेके चलेंगे वील टेक इंटू कंसिडरेशन द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो कि वो क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं आई होप द मीनिंग ऑफ एंड द पर्पज ऑफ दिस से फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इनोवेशन दैट आर विटनेसिंग इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग तो मैं दूसरी क्लास में आपको uh, समझा ही दूंगा द मेन एम ऑफ अस हेयर इज टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है ब्रीफली लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस बेटर चीपर फास्टर मोर एफिशियंटली

Consider instead of this kind of physical infrastructure, we have digital infrastructure which is also helping you in reducing the burden on you of catering to and receiving public services. For example, UPI, for example, Aadhaar. What are these? These are infrastructures which are digital in nature, which are created by the government or by government agencies, subsidiaries of the government. What is the ultimate objective? प्रोवाइडिंग बेटर एंड फास्टर पब्लिक सर्विस आपका टाइम बचा रहे आपकी एनर्जी बचा रहे आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव करें दट इज दबिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई आ जाता है सबसे बड़ा इसके अंदर बिकॉज इट अलाउज यू टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट दैट इज द मेजर यू नो यूनिकनेस ऑफ यू पी आई अभी मैं अपनी यूपीआई आई डी से आई कैन रिसीव मनी फ्रॉम एनी पर्सन है प्रॉब्लम नहीं होती है पहले क्या होता था एनईएफटी करना पड़ेगा या आईएमपीएस करना पड़ेगा तो उसके लिए ऐड करोगे फिर वो जाके आईएमपीएस करोगे या एनईएफटी ई करोगे अभी वो कुछ नहीं चाहिए कुछ बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं चाहिए दैट इज़ हाउ सेफ इट इज बिकम जस्ट बाय माय यूपीआई आईडी और माय यूपीआई स्कैनर विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड सेग्रीगेटेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट आई कैन ईजिली रिसीव और सेंड मनी सो इट मेक्स इट मोर सेफ इट मेक्स इट फास्टर एंड इट मेक्स इट मोर एफिशियंट अब मुझे एफर्ट नहीं लगता है कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है दैट इज द पावर ऑफ यूपीआई ओके नंबर टू इज इंडिया स्टैक इंडिया स्टैक मतलब इंडिया ने कुछ एक टेक्नोलॉजीज बनाई हैं कुछ एक सर्विसेज बनाई हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विच आर स्टैक टुगेदर एंड टुगेदर दे टूगेदर द सिटीजन क्या होती है तीन चीज है मेजर जब सबसे पहले जनधन योजना जिसके अंदर अकाउंट्स खोले गए लोगों के वी ओपन दी अकाउंट्स एंड वी ब्रॉड ऑनलाइन वी ब्रॉड इन द फाइनेंशियल लैंडस्केप नंबर टू आधार giving them a unique identity and connecting this Aadhaar with, with Jan Dhan Yojana so that every individual's account is verified to be uh, an, uh, an existing Indian citizen's account. That verification it is fake. Hai. And third is mobile connectivity. To connect both of them to mobile, number one, and to connect every kind of financial digital infrastructure to your mobile network or to your mobile phone. That is mobile connectivity. तो ये तीन चीज साथ में चलती हैं एंड ऑल दिस थ्री टुगेदर आर कॉल्ड एज इंडिया स्टैक सबसे पहले आ जाता है इसमें जनधन इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं होती है बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं इधर इन फेज टू और इन इंटरव्यू फेज टू में दिस कैन बी आज एन एस से ऑल्सो दिस कैन बी आज एज एन एज अ क्वेश्चन ऑल्सो कि भाई इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है क्या क्या दिया जा रहा है तो आप बस बता दोगे एक अप्रोच तो ये हो गई यू कैन जस्ट टेल देम दैट देर इज जनधन योजना विच वॉज कैरीड आउट देर इज आधार बट आई एम वॉन्ट टू फोकस अपॉन सम फैक्ट्स ऑल्सो हेयर एंड टेल यू कि इस तरह से लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे ओके जनधन स्कीम वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी फोर्टीन वॉज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट देखो ऐसे की वर्ड यूज करने बहुत जरूरी हैं Universalization of bank account, matlab, every person should have a bank account, irrespective of the financial uh, or any other kind of status of that person. Okay. Has played a significant role in achieving this remarkable progress. Over 500 million matlab Pachas 50, 50 crore Jandan bank accounts have been opened in India. 2011. May, access to bank accounts for adults in India was 35%. दिस हज़ इंक्रीज टू सेवेंटी एट परसेंट और अगर हम ग्लोबल देखें वर्ल्ड वाइड इन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स परसेंट ये वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फिंडेक्स डेटा बेस है दिस ऑटोमेटिकली टेल्स आस वी आर वे अब द्लोबल एवरेज इन एक्सेस टू बैंक अकाउंट बाई एडल्ट इन इंडिया दैट इज द पावर ऑफ जन धन योजना ये सब इसी की वजह से हुआ है ओके दिस ऑफ यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड और ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है पचास करोड़ के अकाउंट्स खोल दिए गए हैं ट्वेंटी ग्लोबल एवरेज कम है 76%. Okay. पे आ जाते हैं, आधार इट्स बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम भैया देखो की वर्ड याद रखने जरूरी है ऐसे वहां पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम यहीं से तो मिलते हैं नंबर जब इंटरव्यूअर ये वर्ड सुनता है ही इज लाइक इंप्रेस्ड बाई योर क्लैरिटी अबाउट समथिंग एंड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इसको एक्चुअल में पता है ये बोलना कह चाह रहा है सेकेंडली वेन यू राइट इट इन दी फेस टू एग्जाम वेदर इट्स दी क्वेश्चन और वेदर इट्स एन ने इट्स फॉर अफ चेकर टू पिक इट अप एंड बी लाइक ओके दिस गेट नोज वट इज टॉकिंग अबाउट मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अब मुझे समझ आ गया इट्स अ बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम

यर सेल्फ एज अ यूनिक इंडियन सिटीजन ओके आप इमिडिएटली अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरीफाई कर सकते हो समथिंग दैट वी डू वैन वी गो फॉर एग्जाम मोर कन्वीनियंटली फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सब्सिडीज एंड वेरियस अदर काज आपके एग्जाम बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाते हो पहले क्या होता था फेक लोग आते थे नाम मेरा है अनुज जिंदल बट सम एल्स इज कमिंग एंड राइटिंग द एग्जाम नाम किसी और का है आई एम गोइंग एंड राइटिंग द एग्जाम एंड आई एम टेकिंग लेट्स मनी फॉर इट ये करप्शन भी चल रहा था दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर गोइंग ऑन बट अब ये पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है आधार से इंटीग्रेट कर दिया नाउ इट इज़ नॉट ईजी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू फेक माई सेल्फ एज समन एल्स एंड गो एंड राइट द एग्जाम और सम एल्स टू डू द सेम ऑन माई बिहाफ क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है मैच करना बड़ा मुश्किल है सेकेंडली इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड फास्ट ओके कन्वीनियंस भी तो हो गया ना पहले आइडेंटिफिकेशन में घंटों घंटों खड़े रहो नहीं हुआ किसी का तो वो एग्जाम ही नहीं लिख सकता है दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूज टू बी फेस्ड बाय बाय स्टूडेंट्स जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह जाता था कन्वीनियंस आ गया प्लस सिक्योरिटी आ गया जिसकी वजह से एग्जाम में फ्रॉड नहीं होते हैं फ्रॉड नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कि आज एग्जाम हुआ

how kcc kisan credit card is being taken online and companies financial technology companies as well as banks are able to provide paperless services to individuals okay this is the power of Aadhaar because it, it is able to identify your identity verify your identity immediately third is mobile number one mobile is the core mobile is the base which helps us in accessing डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एक तो मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है ओके सेकेंड मोबाइल से एक्सेस भी होता है पहले एक्सेस करने के लिए लैपटॉप चाहिए डेस्कटॉप चाहिए साइबर कैफे जाना पड़ेगा इट वॉज नॉट कन्वीनियंट इनफ अभी मोबाइल हो चाहे आपके पास फीचर फोन है चाहे प्रॉपर स्मार्टफोन है दोनों से ही यू हैव वेरी गुड एक्सेस टू इंटरनेट एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक है 2014 में

इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यह साइबर रेसिलियंस एंड आरबीआईन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है साइबर थ्रेट्स कम करने के लिए जो हमने बताया था सबसे पहले तो दिस इज फोकस्ड ऑन कंपनीज दिस इज फोकस्ड ऑन रिटेल इंडिविजुअल्स आर एन सी हमने अलग अलग कर दिया देन फिनटेक डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन 2022 एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिस इज गोइंग टू बी फोकसिंग अपॉन बोथ कंपनीज एज वेल एज रिटेल इंडिविजुअल्स दोनों पे काम करेगा

बोथ कंपनीज एज वेल एज रिटेल इंडिविजुअल कंपनीज को भी एम्पावर कर रहा है रिटेल इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर कर रहा है यू पी आई के जैसे बहुत सारे नए वर्जनस आ रहे हैं गूगल पे आ गया या फिर यूपीआई को इंटीग्रेट कर दिया हमने जोमैटो के साथ फॉर एग्जाम्पल सो ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू एन पी सी आई सो इट वर्क बोथ विद द कंपनीज एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ रिटेल इंडिविजुअल ओके एंड फास्टेज लास्ट इज आई आर डी आई डी आर बी टी

IDRBT Institute for Development and Research in Banking Tech ठीक है ना ये याद ये याद रखिएगा अब ने ने या सरकार ने क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं सबसे पहले तो रेगुलेटरी काफी टाइम से है Purpose क्या रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मैं एक फिनटेक कंपनी हूं एंड आई अ न्यू प्रोडक्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है मेरा एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इट इन दी मार्केट बट मुझे आर बी आई से परमिशन लेना जरूरी है सबसे पहले एंड आर बी आई को कन्विंस करना जरूरी है दैट दिस प्रोडक्ट इज सेफ साउंड एंड एज वेल एज हेल्पफुल फॉर द पीपल तो आर बी आई बोलेगा पहले पायलट करते हैं पायलट मतलब क्या होता है छोटा सा एक सैम्पल साइज लेंगे उसमें ये रिसर्च करेंगे या फिर उसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हाउ डज इट वर्क ओके वेदर ऑल दी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उसके पीछे का दैट इज सेफ एंड साउंड्रैश तो नहीं हो रही हैक तो नहीं कर पा रहा है टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज रेगुलेटरी सैंड बॉक्स नाउ दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई आर बी आई इल्फ जिससे कि हम इनोवेशन को बढ़ा सकें बिकॉज ऑल दीज फिंटेक कि मैं एक नया प्रोडक्ट निकालती हूँ देन आई विल गो टू आरबीआई को बोलेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर पायलट करो वो पायलट करेंगे सो सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड अ पॉलिसी इनिशिएटिव हैज बीन क्रिएटेड विच मेक्स इट इजी फॉर द कंपनी टू अप्रोच आर बी आई एंड टू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वी वॉन्ट टू कैरी आउट अ पायलट ऑफ दिस सर्विस और दिस प्रोडक्ट एंड इफ इट इज अप्रूव देन वी टू लॉन्च इट नेशन वाइड और इंटरनेशनली तो आर बी आई उसको रीड करेगा समझेगा करेगा और फिर रेगुलेटरी आउट बॉक्स प्राइवेट प्रोजेक्ट। दैट इज रेगुलेटरी गाइडलाइंस। बहुत सारे आरबीआई ने नए नए रेगुलेटरी गाइडलाइंस रेगुले हैंटेक केप्ड एक्विल्स ऐसा नहीं कि बैंक में जो रेगुलेशन है सेम रेगुलेशन हम फिनटेक लगा दें नॉट पॉसिबल बिकॉज दे वर्क डिफरेंटली आरबीआई है

I I have been teaching all these guidelines and changes which are happening in these areas regularly to you. So अभी ये समझने की जरूरत नहीं कि इनके अंदर क्या क्या changes आए हैं regulations आई हैं नहीं नहीं because I keep teaching those to you. But just understand that RBI has been proactively working on regulatory changes also. Okay. अब new initiatives क्या हैं new initiatives by both the RBI as well as the government. सबसे पहले Central Bank Digital Currency जिसका pilot अभी चल रहा है it's an e-rupee.

एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन अ पेपर फॉर्मैट वो बस डिजिटल ही अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई हैव फाइव हंड्रेड सी बी डी सी इंस्टेड ऑफ सेंगे हंड्रेड रुपीज आई हैव फाइव हंड्रेड सी बी डी सी आई कैन से दैट इफ आई हैव समिजिटल करेंसी विच इज इश्यूड डायरेक्टली बाई आर बी आई बैक्ड बाई आर बी आई एंड ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई आर बी आई ठीक है तो ये एक ई रूपी काइंड ऑफ सी बी डी सी क्रिएट कर दिया गया है द पायलट इज गोइंग ऑन ऑन बोथ रिटेल एज वेल एज होलसेल बेसिस बी टू बी बी टू सी सेकेंड जो मैंने आपको बताया था डिस्कस करेंगे के का डिजिटलाइजेशन इज बींग कैरीड आउट विच इज कॉल्ड एज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट वेयर नाउ अ फार्मर डज नॉट हैव टू टू गो द बैंक इन ऑर्डर टू गेट ईदर गेट अ न्यू के सी सी किसान क्रेडिट कार्ड एंड देन गेट मनी फ्रॉम इट और इंक्रीज हिज लिमिट और गेट हिज के सी सी रीशूड ही कैन डू ऑल ऑफ इट ऑनलाइन अब वो बैंक जाता था तो करप्शन के चांस रहते थे बैंक जाता था हेरासमेंट के चांस रहते थे बैंक जाता था, था तो टाइम ज्यादा लगता था ऑल ऑफ दैट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली वेन के सीसी गोज ऑनलाइन अभी तक वो कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं था पेपर वर्क वगैरह ऑनलाइन नहीं था नाउ ऑल ऑफ दैट हैज हैज स्टार्टेड गोइंग ऑनलाइन ओके सक्सेसफुल डिस्पर्सलोन्स अब टू रुपीज वन पॉइंट सिक्स लैख एक ही लिमिट लगाई है जिससे को धीरे धीरे बढ़ा देंगे बिकॉज के सीसी के अंदर कोई वोलेटर नहीं चाहिए होता है विद इन अमर्सिंग विद डिडीटाइज स्टेट लैंड रिकॉर्डाबेस तो अब इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट द बैंक एंडफॉर्म दूस विध दैंड रिकॉर्ड डेटाबेस वेरीफाईटली बंद ने जो केसीसी की के अप्लाई किया है उसका जो लैंड रिकॉर्ड है वो एक्चुअली एक्सिस्ट करते हैं नहीं करते टू कनेक्ट विद क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी हिस्ट्री ऑफ दैट इंडिविजुअल सैटेलाइट डेटा जिससे कि वो उसका लैंड एक्चुअल देख सकें कि भाई यहाँ पर लैंड यह एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं आधार ई के वाई सी वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए एंड नाउ दैट प्लेटफॉर्म इज बिंग यूज बायार्मर्स एज वेल एज बाई द बैंक इन ऑर्डर टू कैरी आउट पेपरलेस अप्रूवल और रिजेक्शन और री ऑफ के आई होप दिस इज क्लियर इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है ओके okay. Farmers can apply for new KCC loans as well as KCC loan renewal. Both things farmers kar sakte Okay. Abhi, this started in MP and Tamil Nadu. Extended to some districts of UP, Karnataka, and Maharashtra. And seven banks are now a part of digital KYC, digital KCC. Sorry. Over slowly, it will become a universal system. Okay. So this was all for today's session. I hope it was useful. I wanted to just talk about various digital innovations carried out. बाय फिनटेक कंपनीज एंड इन द फील्ड ऑफ फिनटेक्स और उसके आउटकम क्या क्या निकल के आ रहे हैं आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू रिमेंबर कि आपको इंटरनलाइज करना है सो दैट यू कैन यूज इट इन योर इंटरव्यू एज वेल एज इन फेज टू फेज टू में क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू राइट ऑल दीज मेजर मेजर पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए ठीक है आई एल सी यू वेरी सुन गाई स्टिल देन टेक केयर बाय जय हिंद